सबसे पहले हम लोग ये जो क्विक एडिट है ना, यहाँ पर इस क्विक एडिट एप्लीकेशन में जाएंगे। ये जैसे ही ओपन होता है आपके सामने, आपको क्या करना है, इसको क्लोज कर दिया मैंने, ये नया यहाँ पर पेज ओपन हो गया। ठीक है, यहाँ पर हम हमारा कोडिंग लिखेंगे, HTML को क्लोज कर दिया। ठीक है, आपका पूरा कोडिंग लिखने के बाद यहाँ पर नीचे की साइड आप देख पाओगे, राइट साइड क्रॉस के बाजू में एक सेव का बटन है। अगर उस पर आप सेव करते हो, ठीक है, तो आपको पूछेगा कि आपको कहाँ सेव करना है। तो ऊपर देखिए, स्टोरेज इम्यूलेटेड 0 और डॉक्यूमेंट्स, मेरा जो फाइल है वो यहाँ पर सेव होगा। तो मैं यहाँ पर कर दूँगा 1.html। इतना करने के बाद आपको यहाँ पर राइट साइड डाउन वर्ड में जो दिख लिखा हुआ है सेव, वहाँ पर क्लिक करना है, सेव्ड सक्सेसफुली, डन। ठीक है, अब आपको जाना कहाँ है, सबसे पहले हम जाएंगे माय फाइल्स। ठीक है, तो माय फाइल्स हमारे अंदर कहाँ, ये रहा फाइल मैनेजर। फाइल मैनेजर के अंदर हम जाएंगे इंटरनल स्टोरेज, आपका जो भी है वो देख लेना। मैंने डॉक्यूमेंट्स में सेव किया था तो ये डॉक्यूमेंट्स है, यहाँ पर डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया और ये देखो 1.html यहाँ पर ओपन है। उसको ओपन किसके साथ करना, आपको ओपन विथ क्रोम ऑलवेज। सी, हमने कुछ लिखा नहीं था इसलिए कुछ नहीं आ रहा है। सपोज इफ वी राइट हियर, HEAD, उसके बाद यहाँ पर HEAD हेड में लिखेंगे अब हम,